नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। यहाँ पे आप जो है मेरे साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। इनको जो है आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जाते हैं, जिससे आपको ये अच्छे से पता चलेगा कि हाँ यूपी ट्रिपल एससी पेट में आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपका पेट जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद मेंस में कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए ज़्यादा हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इस सब क्वेश्चनों को आप नोट भी जरूर कर लीजिएगा अपने पास में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, जो पता है वो चीज़ें अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं क्या, किलीमंजारो पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत, मैकिनले पर्वत, अंकागुआ पर्वत। ठीक, इसमें से हमें बताना है कौन सा गैर एशियाई पर्वत जो है सबसे ऊंचा है। इसमें से हमें जानते हैं कि सबसे पहले इनकी सबकी ऊंचाई कितनी है। इसमें एल्ब्रूस की पर्वत की जो ऊंचाई है वो 5,642 मीटर है। ठीक, कहाँ पर स्थित है ये? रूस में है, ये रूस में है। ठीक, उसके बाद में जो हमारा किलीमंजारो पर्वत है, किलीमंजारो पर्वत हमारा है तंजानिया में। तंजानिया में इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5,895 मीटर है। ठीक, उसके बाद हमारा जो ये मैकिनले पर्वत है, मैकिनले पर्वत अलास्का में है। ठीक, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,190 मीटर। ठीक, उसके बाद एकांकागुआ जो है पर्वत, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कई जगह पे, ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक, एकांकागुआ, इसकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6,962 मीटर। ठीक, ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना। ये अब इसमें देख लेते हैं हमारा सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है। हमारा सबसे ऊंचा ये एकांकागुआ पर्वत है, जहाँ जो कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। ठीक, चलिए पर्वत शिखर जो है ये सबसे ज़्यादा ऊंचा अर्जेंटीना, एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इन चारों में बताना है, अल्पास है, हिमालय, ठीक, एंडीज या तिब्बत। अब इनकी हमारी जो है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इनकी कितनी कितनी रेंज है। तो सबसे ज़्यादा एंडीज, एंडीज़ की लंबाई कितनी है? 7,242 किलोमीटर। ठीक, ये एंडीज़ पर्वत श्रृंखला जो है उसकी लंबाई है। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका। ठीक, अमेरिका। और उसके बाद में दूसरा नंबर है हमारा रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत, ये रॉकी पर्वत वाली श्रृंखला के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। रॉकी पर्वत श्रृंखला की लंबाई क्या कितनी है? 4,800 किलोमीटर। ठीक, इस ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका। ठीक, अब उसके बाद में हिमालय, हिमालय कहाँ है? एशिया। इसकी लंबाई 2,400 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद में अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिका जो है कहाँ पे है? अंटार्कटिका नाम है पर्वत श्रृंखला का, ट्रांस अंटार्कटिका। ठीक, ये अंटार्कटिका में है। इसकी लंबाई कितनी है? 3,500। ठीक, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा लंबी जो है इसकी एंडीज़ पर्वत है श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा है, ये हिमालय, एशिया। ठीक, ये हो गया, चलते हैं अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, अगर आपने पढ़ ली है तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस तरह से करेंगे तो आपका सारा बहुत अच्छे से रिविज़न हो जाएगा, बहुत रिलेटेड तरीके से जो है पढ़ भी पाएंगे आप। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक, इन चारों में से हमें बताना है कि किस में स्थित है। जो ये तनामी ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर स्थित है? तनामी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान है इनका, सैंडी रेगिस्तान उसमें स्थित है, दी ग्रेट सैंडी रेगिस्तान। ठीक, रेगिस्तान, ठीक, के पूर्व में ये जो है स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग जो है कितना है?
37,500, ठीक, 37,500 वर्ग किलोमीटर ये इसका है, ठीक। पृथ्वी, तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल है और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में वनस्पतियां भी पूछ ली जाती हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। स्पिनिफेक्स, ठीक, ये जो है घास होती है, ये इनके यहाँ इसमें बहुत पाई जाती है। एकदम नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर और पाई जाती हैं, ठीक। और यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर जो हैं उसमें लाल कंगारू बहुत फेमस है, यहाँ से लाल रंग के कंगारू, ठीक, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अब सहारा रेगिस्तान के बारे में आपको बता दें, सहारा रेगिस्तान क्या है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, गर्म रेगिस्तान या मरुस्थल, रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहते हैं, ठीक, और सबसे विशालतम भी है, विश्व का विशालतम मतलब कि सबसे बड़ा, ठीक, रेगिस्तान है। यह जो है कहाँ पर है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में अंटार्कटिका महासागर के लाल सागर तक इसकी जो है फैलाव है, ठीक, और सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में ये फैला हुआ है। ये समझ लीजिए इसका जो है लगभग क्षेत्रफल यूरोप के बराबर है, यूरोप के बराबर क्षेत्रफल बराबर, ठीक, सॉरी। और उसके बाद में भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है लगभग, इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है। अब इसमें समझ लीजिए इसका विस्तार किन किन देशों में है, इसका विस्तार है माली, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है, मोरक्को, कौन कौन से देश में, ठीक, मोरक्को, फिर उसके बाद मारितानिया, फिर नाइजर, फिर ट्यूनीशिया, निशिया, ठीक, और उसके बाद लीबिया, अल्जीरिया लिख लिया, फिर चाड, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास में, ठीक, सूडान, मिस्र, मोरक्को, ये सब देश जो हैं इनमें ये फैला हुआ है, ठीक। तो अब इसमें जो है कौन से देश में जो है नहीं आता है, ये पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में, ठीक। तो इसमें जो है नाइजीरिया कहीं पे भी नहीं है, नाइजीरिया में जो है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कहीं पे भी ये नहीं आता है। मिस्र भी आ गया, ये लीबिया हो गया, ये मिस्र हो गया, ठीक, अल्जीरिया ये हो गया, लेकिन नाइजीरिया कहीं नहीं आया, ठीक। तो नाइजीरिया में नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं आगे और भी आपको अच्छे वीडियो दे सकूं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, अभी आपसे पूछा था हमने कि सबसे बड़ा विशालतम मरुस्थल कौन सा है, सहारा है, ठीक, बता भी दिया था पिछले में हमने आपको। अब इसमें ये जान लीजिए कि थार कहाँ पे है, ये उत्तर पश्चिम भारत भारत में स्थित है, ठीक, कहाँ, राजस्थान, ठीक। गोभी मरुस्थल कहाँ है, ये सब पूछे जाते हैं, मंगोलिया, कहाँ पे, चीन, ठीक। फिर उसके बाद में मोजाबिक बे है, ठीक है, कहाँ पे है, दक्षिण कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक, कहाँ पे है, यूएसए, ठीक। ये चीज़ें इनको भी याद रखिएगा, थार भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गोभी मरुस्थल कहाँ पर है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है आपका आया था कब, 2018 में व्यायाम प्रशिक्षक में, ये एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया था, ठीक। इसके बाद में ये वाला जो है आपका क्वेश्चन आया था 2019 में मंडी परिषद के एग्ज़ाम में, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था 2019 के लोअर में, ये सब एग्ज़ाम आपके बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड हो सकता है, फिर से उठा के क्वेश्चन बना दे तब क्या करेंगे आप, तो ये सब जरूर पढ़िए अच्छे से। फिर क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, चार में से बताना है, सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसमें दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, सी और डी, क्यों, क्योंकि जो ये रेगिस्तान है ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक प्लस कजाकिस्तान, ठीक,
इन सब तीनों देशों में पाया जाता है। ठीक, इसका विस्तार लगभग कितना है, 2,98,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये है। अब इसमें क्या है ये जान लीजिए कि ये तीन ऑप्शन इस तरह से, इसमें दो ऑप्शन ये सही हो रहे हैं, है इसमें इन्होंने शायद हो सकता है दोनों ये नंबर सभी को इसके दे दिए हों इक्वल। कभी कभी ये गलती कुछ क्वेश्चनों में हो जाती है UP SSC से और बहुत सारे एग्जाम में। ठीक, तो ये ऑप्शन दोनों इसके सही होंगे। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऋतु से संबंधित है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा, क्या मतलब है कि जहाँ ऋतुएँ बदलती हैं तो फिर वहाँ पे पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो उस ऋतु को क्या कहा जाता है। उस ऋतु को हम कहते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पतियों को कहते हैं। ठीक, या फिर इनको एक और नाम से बुलाते हैं, क्या नाम है, पर्णपाती वन। ठीक, पर्णपाती वन, ऑप्शन क्या है हमारा, सी पर्णपाती वन। क्या होता है, भारत में जान लीजिए, हमारे देश में क्या है, बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। एक और नाम जान लीजिए, मानसूनी वन। ठीक, और क्या होता है, ये जो है घने कम होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। जब एक निश्चित समय आता है उस टाइम पे ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनके एग्जांपल जान लीजिए, एग्जांपल क्या हैं हमारे, साल, सागौन, सागौन, ठीक, पीपल और नीम, शीशम, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। ये वाला क्वेश्चन जान लीजिए, ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, 2016 के एग्ज़ाम में था, आमीन परीक्षा हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हम क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण अमेरिका में। ठीक, कहाँ पे पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा विस्तार, ये सब कहाँ पे होता है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जहाँ पर मौसम बदलता है, तो एशिया में जो है मौसम परिवर्तन बार बार होता रहता है। ठीक, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्ती गिरा देते हैं, हैं, और इसलिए जो है इनको पतझड़ और मानसूनी वन कहा जाता है। ये वन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे सघन नहीं होते हैं, सघन या घने नहीं होते हैं, ये चीज़ को याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। ठीक, नाम आपको बता दिए, साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ और सब जो नीम, पीपल, सब जो हैं, लेकिन इनकी लकड़ी जो होती है बहुत टिकाऊ होती है, टिकाऊ मतलब मजबूत कह सकते हैं उसको। ठीक, मजबूत होती है। ठीक, ये सारी जो आपको इसके एग्जाम्पल बताएं उनकी सबकी लकड़ियाँ, ठीक, जैसे कि सागौन, शीशम, चंदन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा नवा क्वेश्चन क्या है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद में मैं और अच्छी सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, अभी इसको आपको बताइए मुझे कैसा होता है, और इसका कमेंट भी करिए, जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताइए मुझे। ठीक, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं, कहाँ पे हैं, भारत में है, तंजानिया में है, ब्राज़ील में है, कनाडा में है। ये जान लीजिए, घने वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे, जहाँ पर आर्द्रता होगी, वर्षा सबसे ज़्यादा होगी, उष्णता रहेगी अच्छी। ठीक, तो वहाँ पे ही जो है सबसे ज़्यादा घने वन होते हैं, तो विषुवतीय प्रदेश जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा घन, वहाँ पे क्या है, वर्षा जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, वर्षा ज़्यादा होती है उसकी वजह से आर्द्रता ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे जो है वन जो है घने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा घने होते हैं, इतने ज़्यादा हरे भरे होते हैं, साल भर रहते हैं कि समझ लीजिए इतनी घन सघनता हो जाती है इनकी कि ऊपर से सूर्य की किरणें भी नीचे नहीं आ पाती, धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक, तो वहाँ पे सदा अंधकार छाया रहता है। ठीक, अंधकार छाया रहता है सदा वहाँ पर। ठीक, ये इनको जो है, इन जंगलों को सेलवास भी कहते हैं। सेलवास पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे वन। ठीक, तो ये सब जो हैं ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक, अब इनमें जो है पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो है पाए जाते हैं, कौन से पौधे वहाँ पे, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं। ठीक, तो फिर उनको आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा कौन कौन से पौधे पाए जा रहे हैं। ठीक, तो ये सब हैं आपके, रबड़, एबोनी और रोजवुड, ये सब वहाँ पे पाए जाने वाले पौधे हैं। ठीक, पाम,
पाम ऑयल भी आता है। ठीक, विश्व में सबसे ज़्यादा घने लंबे वन इसी जो है प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हीं में ही पाए जाते हैं। ठीक, ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में, जन बेसिन में सबसे ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। ठीक, कांगो में जो है जंगल भी बहुत प्रसिद्ध हैं इसी वजह से ही। ठीक, इसके अलावा और ब्राज़ील में कहवा उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आपसे भी पूछा जा सकता है। ब्राज़ील में आपने कॉफ़ी, कहवा जो है कॉफ़ी को ही कहते हैं। ठीक, वो उत्पादन बहुत प्रसिद्ध है। चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, ये हमारा जो है लोअर में आया था, प्री लोअर एग्ज़ाम में 2004 में। ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम, यूरोप में कितने देश हैं, ये आया था होम्योपैथी के एग्ज़ाम में 2019 में। ठीक, तो इसमें क्या है, 28, 33, 30, 44, जो इनके ऑप्शन के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा वाला टिक लगाते हैं। क्वेश्चन जो है आपका आया था होम्योपैथी के एग्ज़ाम में 2019 में। ठीक, तो सबसे यूरोप में कितने देश हैं पूछा गया है आपसे, 28, 44, 33, 30। ठीक, सबसे पहले आप जान लीजिए कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक, और जिसमें से कौन क्या क्या नाम है सबका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये आपके 7 महाद्वीप हो गए हैं। एक और एक्स्ट्रा बता देते हैं, 7, 8वां जो है जिसको अभी दर्जा नहीं दिया गया है लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक, तब क्या करेंगे आप, तो इनका नाम जान लीजिए। ठीक, क्या नाम है, जीलैंडिया। ठीक, इसका नाम इन्होंने रखा है, अभी इसको जो है ये लगभग समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 एरिया है इसका, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, अभी दर्जा नहीं दिया गया है इसको, अगर जब दर्जा दे दिया जाएगा तो ये सबसे छोटा महाद्वीप बन जाएगा। ठीक, अब जान लीजिए सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक, और देश की संख्या जो है वह एशिया महाद्वीप यूरोप में कितनी है, यूरोप में देशों की संख्या लगभग समझ लीजिए 51 है। ठीक, लेकिन इसमें 44 दे रखा है आंसर, तो आप इसमें 44 को लगा देंगे। ठीक, इसके पास में यही है। ठीक, चलते हैं, अब आखिरी हमारा हो गया क्वेश्चन ये, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़िया से तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसको चूकिए मत किसी भी कीमत पे। जब अगर आपको जल्द से जल्द नौकरी चाहिए तो पूरी जान झोंक दीजिए इसमें, एकदम जान लगा दीजिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, जिसमें आपकी बहुत जल्द से जल्द आपके सपना जो है वो पूरा हो और आप बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में पाएँ। ठीक, चलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।